दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त रोज स्वागत करता हूं आपका आपकी क्लास से और क्लास में। दोस्तों, अभी रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, जिसके मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन ने कहा है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपनी सारी 2G और 3G सर्विसेज बंद कर देगी, और इसके साथ ही उसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही DTH सर्विस को भी वो बंद कर देगी। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने कहा है कि जो उनके यूज़र्स हैं वो अपने नंबर को या तो पोर्ट करवा ले या तो 4G सर्विसेज की तरफ बढ़ जाए। दरअसल हुआ ये है दोस्तों कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसके ऊपर जो कर्ज़ है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से उसके जो 2G और 3G लाइसेंस हैं वो भी एक्सपायर होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो इनको रिन्यू नहीं करवा पा रही है। और आने वाले टाइम में 2G और 3G जो सर्विसेज है रिलायंस कम्युनिकेशन की वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। जियो के आने के बाद से ये जो सिलसिला है 2G और 3G सर्विसेज का ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब लोग 4G पर जा रहे हैं, इसी वजह से 2G और 3G सर्विसेज को कोई यूज़ नहीं कर रहा है, और इसी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। और अब वो जो है अपनी सारी 2G और 3G सर्विसेज को बंद करने वाली है। अभी करीबन रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 81 मिलियन कस्टमर है, जिसमें से करीबन 40 मिलियन आप कह सकते हैं कि जो कि 2G और 3G सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और इसी का फ़ायदा उठा रही है एयरटेल और वोडाफोन। एयरटेल और वोडाफोन जो कि लीडिंग कंपनी है इस टाइम पे, उन्होंने जो है बहुत सारे ऑफर्स निकाले हैं, और उन्होंने खुद एडवर्टाइजमेंट देकर कहा है कि वो रिलायंस कम्युनिकेशन के ग्राहकों का स्वागत करती हैं। और ऐसा वो इस वजह से कह रहे हैं ताकि वो चाहती हैं कि उनका जो डेटा बेस है वो बढ़े, उनका जो यूज़र बेस है वो बढ़ जाए, और ये 40 मिलियन कस्टमर जो है जो कि 2G और 3G सर्विसेज यूज़ करते हैं वो सारे एयरटेल और वोडाफोन में पोर्ट आउट कर जाएं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये बंद होने वाले 2G और 3G सिम्स बंद होने वाली हैं, तो अब आप सबके लिए कस्टमर इनके लिए क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए कस्टमर के पास सिर्फ अब दो ही ऑप्शन बाकी बचे हुए हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन ने कहा है या तो वो आने वाले 30 नवंबर से पहले पहले अपने सिम को पोर्ट करवा ले, यानी दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, एयरटेल या वोडाफोन में ट्रांसफ़र हो जाए या जियो किसी में भी, या दूसरा ऑप्शन यह है कि वो 4G सर्विसेज की तरफ बढ़ जाएं। अब बात आती है कि पोर्ट करवाने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, पोर्ट करवाने के लिए आपको सिंपली जो है आपको जाना है अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में, और वहां पर लिखना है पोर्ट PORT पोर्ट, और वहां पे स्लैश करके आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है, और उसको 1900 पे 1900 पे सेंड कर देना है। दोस्तों, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए ताकि ये मैसेज पहुंच जाए। कुछ लोगों को अभी से दिक्कत आनी शुरू हो गई है कि जो रिलायंस कम्युनिकेशंस है उनका जो नेटवर्क है वो आ ही नहीं रहा, तो मैसेज सेंडिंग या ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके लिए भी उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा 1800100 और उसके बाद 4x3 आपको इस नंबर पे कॉल करना है, एंड देन आप जो है वहाँ से जाकर या किसी भी रिलायंस के डिजिटल स्टोर पर जाकर, जो कम्युनिकेशन का स्टोर है, आप वहाँ पर जाकर इस नंबर को पोर्ट आउट करवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, और रिलायंस कम्युनिकेशन की वजह से इस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब लोगों को पोर्ट आउट करवाना पड़ेगा, और बहुत लोगों की जो सिम है, जो नेटवर्क है, वो बंद हो चुका है। कंपनी ने ये भी कहा है, कंपनी ने अपने 1000 एम्प्लॉय, करीबन 1200-1400 एम्प्लॉय जो उनके यहाँ काम करते हैं, उन सभी को कहा है कि वो 30 नवंबर से पहले पहले काम छोड़ दे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मेनली रीज़न दोस्तों इसका यही है कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसके ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, एंड वो अपने किसी भी ऑफर को, किसी भी स्पेक्ट्रम को रिन्यू नहीं करवाना चाहती। इसी वजह से वो चाहती है कि लोग जो है या तो 4G सर्विसेज में आ जाए या तो नंबर को पोर्ट आउट करवा ले। इससे रिलायंस कम्युनिकेशन को नुकसान तो होगा यूज़र का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलायंस कम्युनिकेशन को छोड़कर या तो एयरटेल या वोडाफोन इन सब में पोर्ट आउट करवा जाएंगे, जिससे कि उसका यूज़र बेस जो है वो घट जाएगा। लेकिन अभी इसके अलावा कंपनी के पास और कोई चारा भी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों DTH सर्विसेज की, तो जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो आने वाले टाइम में अपनी जो DTH सर्विसेज है उसको भी 30 नवंबर तक बंद करने वाली है। तो अगर आप रिलायंस कम्युनिकेशन के DTH सर्विस को यूज़ करते हैं तो आप उसको भी चेंज करवा के, हटवा के किसी और सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, या टाटा स्काई लाइक दैट। सो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आ रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी हो कि नंबर पोर्ट आउट कैसे करवाना है या क्या कुछ हो करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी बातों को लिख दिया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ऑनलाइन ही बैठा हुआ हूँ, मैं आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करके सारी चीज़ों के बारे में
पूरी जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या स्टेप्स है। आपको मेनली यही करना है कि सिंपली आपको जाना है अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में और वहां पे पोर्ट लिखकर 10 डिजिट का अपना वो मोबाइल नंबर जिसको आप पोर्ट करवाना चाहते हैं रिलायंस वाला, और उसको 1900 पे सेंड आउट कर देना है। दोस्तों यही है आपको अभी जो करना है, और नहीं तो आपको उस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता लग सके। सो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। सो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।